वीडियो में मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का एक इम्पॉर्टेंट एंड ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ कि भाई जिसके बाद अगर आपके कॉलेज मिलने के चांसेस 50% है ना, तो 50% से आपके चांसेस 80% हो जाएंगे. ऑल्सो टॉप मोस्ट कॉलेजेस आप अपनी प्रेफर्ड रैंक पे बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे. फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, या फिर लास्ट ट्रे वैकेंसी राउंड हो, लास्ट राउंड तक भी आप इसी प्रेफरेंस लिस्ट के साथ मूव करना, आपको आपकी प्रेफर्ड रैंक पे कॉलेज जरूर मिलेगा. कैसे बनानी है प्रेफरेंस लिस्ट, क्या किस कॉलेज को टॉप पे रखना है, कौन से कॉलेजेस को बॉटम पे रखना है, क्या सारे कॉलेजेस ऐड करने हैं, क्या सारे कॉलेजेस ऐड नहीं करने हैं, इन सारे आपके सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिलने वाला है. सो मेक श्योर वीडियो को पहले अच्छे से देख लेना, उसके बाद अगर प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाई होगी तो जाके बनाना, अगर बना चुके होंगे तो एक बार वेरीफाई कर लेना कि जैसे दी ने हमें प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए बताया है, क्या हम भी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे ही बना रहे हैं. लास्ट 2 ईयर से हम स्टूडेंट्स के खुद प्रेफरेंस लिस्ट बनवा रहे हैं, एंड उस प्रेफरेंस लिस्ट में वी आर इंश्योरिंग कि भाई हर बच्चे को 80% तक उसके चांसेस बढ़ जाते हैं उसको कॉलेज अलॉट होने के. सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो. तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के आई टेल यू सम ट्रिक्स, मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ कि दीज आर सम ट्रिक्स, जिन ट्रिक्स के बेसिस पे आप लोग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे. तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाने जा रहे हो. अब ये प्रेफरेंस लिस्ट बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारी रैंक है 1 लाख तक, हमारी रैंक 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख. सबसे पहली चीज प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में आप लोगों के पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको जो आपकी रैंक है उस रैंक के बेसिस पर आप लोगों को किस स्टेट में जाना है. तो सबसे पहली चीज स्टेप 1 होता है अपना स्टेट फाइनलाइज करना कि आप किस स्टेट में जाना चाहते हो. ऐसा ना हो कि आप आपने क्या किया, आपको लग रहा है मेरी रैंक पे कर्नाटका में मेरे को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है, और आपने क्या किया कर्नाटका के कॉलेजेस ऊपर रख दिए, लेकिन आप ये छोड़ दे कि भाई कर्नाटका में मेरे पेरेंट्स मेरे को नहीं भेजने वाला, या कर्नाटका में नहीं जा सकता हूँ, या कर्नाटका का जो कॉलेज मैं ऊपर प्रेफरेंस पे रख रहा हूँ वो मेरे लायक ही नहीं है. लायक इन द सेंस कि लाइक होता है कि हमारी प्रेफरेंस का नहीं है, लेकिन आपने रख दिया उसको ऊपर कि मुझे मिल रहा है, तो आपको वही अलॉट हो जाएगा. फिर वहां पे क्या आएगा, फिर वहां पे आपकी आप उसको ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो आपके 11,000 वेस्ट हो जाएंगे. तो अपने 11,000 वेस्ट, 11 में से 10,000 जो आपकी वो फीस होती है, वेस्ट 11 के 11 हो जाएंगे जब कॉलेज अलॉट नहीं होगा. तो अपने 11,000 वेस्ट होने से बचाने के लिए आप अपनी प्रेफरेंसेस जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे बनाना. तो स्टेप 1 होगा आपका अपनी स्टेट फाइनलाइज करना. मैं एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, अगर कोई दिल्ली वाला स्टूडेंट है, एंड भाई दिल्ली वाला स्टूडेंट है तो अपने दिल्ली के सारे कॉलेजेस अपनी प्रेफरेंस 1 पे रखेगा. सेकंड वो सोचते हैं कि चलो दिल्ली का नहीं मिला, मेरे को यूपी का मिल जाए, तो सेकंड पे अपने सारे यूपी के कॉलेजेस रखेगा. उसके बाद वो सोचेगा यूपी के नहीं मिले तो चलो मेरे को हरियाणा के मिल जाए, दिल्ली के आसपास ही है तो मैं हरियाणा के रखूंगा. तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हरियाणा का पहले रख दिया, फिर यूपी का रख दिया, फिर दिल्ली का रख दिया. इट्स नॉट लाइक दैट. पहला स्टेट 1. अब इस स्टेट में भी फाइनल कैसे करोगे कि दिल्ली का कौन सा कॉलेज मेरे को नंबर 1 पे रखना है. तो भाई दिल्ली में कॉलेज नंबर 1 पे है एम्स. अब आप बोलोगे दी हमें एम्स नहीं मिल रहा है, एम्स हमें मिलेगा नहीं, हम क्यों रखे. भाई आप क्यों डिसाइड कर रहे हो, आपको नहीं डिसाइड करना आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है कि भाई मेरा पहला प्रेफरेंस था एम्स, मुझे एम्स नहीं मिला. सेकंड प्रेफरेंस था मेरा सीएमसी वेलोर, मुझे नहीं मिला. थर्ड वाला प्रेफरेंस, तो आपको प्रेफरेंस बनाना है आप किस प्रायोरिटी में ये मान के चलते हो कि टॉप 1 कॉलेज कौन सा, सेकंड 1 कौन सा है. आपको प्रेफरेंस लिस्ट उस वे में बनानी है, ना कि इस वे में कि आपको आपकी रैंक पे क्या मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा उसका भी अलग से तरीका है बनाने का, बट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको सारे टॉप मोस्ट. अब टॉप मोस्ट की आपको लिस्ट कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. इसीलिए बोलूँ स्टे कनेक्टेड टू माई यूट्यूब चैनल. इसके बाद हमारा लाइव सेशंस भी मैं कंडक्ट करा रही हूँ बच्चों का, जिसमें हम लोग 1-on-1 बच्चों के डाउट्स ले रहे हैं. कल हमारा मॉर्निंग में कल मंडे में रक्षाबंधन है. ऑब्वियसली मैं क्लास लूंगी तो मैं फ्री काउंसलिंग आप लोगों की इसी प्लेटफॉर्म पे कराऊंगी लाइव सेशन में. तो लाइव सेशन कनेक्ट होना हमारे साथ, एंड 1-on-1 हम आप लोगों के डाउट्स भी रिजॉल्व कराएंगे. तो पहली चीज आ गई स्टेट की. सेकेंड आएगा स्टेप नंबर 2 आपका आएगा कि आपने जो कॉलेजेस रखे हैं उन कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा कॉलेज रख दिया, ठीक है, और वो कॉलेज आपको मिल भी गया लेकिन आप उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो.
तो उस फीस अफोर्ड ना करने के चक्कर में आपको कॉलेज छोड़ना पड़ रहा है, तो आपके 11,000 वेस्ट। पहला स्टेट प्रेफरेंस, सेकेंड आपका फीस स्ट्रक्चर, थर्ड आपके पास इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कि आपको आपको क्या लग रहा है कि आपकी रैंक पे लेट सपोज सिर्फ बीएससी नर्सिंग मिलेगा, तो आपको बीएससी नर्सिंग मिलेगा, लेकिन आपको जो अपनी टॉप वाली प्रेफरेंस रखनी है ना उसमें सारे एमबीबीएस के कॉलेजेस रखने हैं, उसके बाद आपको बीडीएस के कॉलेज रखने हैं, थर्ड नंबर पे आप बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस रखोगे। और बीएससी नर्सिंग के कॉलेज की आप प्रेफरेंस जो बनाओगे, प्रेफरेंस अपनी बनाओगे ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। ऑल्सो यहाँ पे भी भाई जो टॉप कॉलेज है ना, जैसे बी एस सी नर्सिंग में मैं बीएमएमसी को टॉप मानती हूँ, लेडी हार्डिंग को एलएचएमसी को टॉप मानती हूँ, तो आप इन दोनों कॉलेजेस को हाई प्रायोरिटी पे रखोगे। ये नहीं सोचोगे कि दी नहीं मुझे बीएमएमसी एलएचएमसी नहीं मिल पाएगा, मुझे तो पन्नादा ही मिलेगा, मुझे तो लक्ष्मी बाई बत्रा कॉलेज मिल सकता है, नहीं, प्रेफरेंस बीएमएमसी से स्टार्ट करोगे, एलएचएमसी से स्टार्ट करोगे। क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि मान के चलते चलो फर्स्ट राउंड में आपको पन्नादा ही मिल गया, ठीक है, लेकिन आपको फर्स्ट राउंड में ये देखने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपका रैंक था 1.5 लाख, 1,50,000, 1,50,000 पे आपको पन्नादाई मिला, और फर्स्ट राउंड में आप देख रहे हो वीएमएमसी में, वीएमएमसी में 1,20,000, 1,20,000 पे वीएमएमसी मिल रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? वापस से समझा रही एग्जांपल, 1.5 लाख पे आपको पन्नादाई मिल गया क्योंकि आपने पन्नादाई फर्स्ट पे रखा हुआ था, वीएमएमसी के अगर आपने कट ऑफ चेक किया, वीएमएमसी किस पे मिला, वीएमएमसी 1,30,000 पे मिला, तो चांसेस है ना कि आपको फर्स्ट राउंड में अगर पन्नादाई मिला तो आपको सेकंड या थर्ड राउंड तक जाते जाते वीएम से मिल जाएंगे, है ना चांसेस, तो वहां पे ये आपकी प्रेफरेंस काम आएगा, वहां पे आपको हमारी ये काउंसलिंग की हेल्प काम आएगी, आपको पता चलेगा कि आपको जो कॉलेज मिला है उससे भी बेस्ट आपको अगर आप सेकेंड राउंड में थर्ड राउंड में अपग्रेड कराने के लिए जाओगे तो आपको मिल सकता है नहीं मिल सकता है। तो अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाना टॉप मोस्ट केयर करो, ये ध्यान रखना, ताकि आपको वीएमएमसी मिल जाए, एलएचएमसी, ये जो प्रेफर्ड कॉलेजेस हैं आपके, ये आपको टॉप में रखने ही रखने हैं। पहला स्टेट, फीस स्ट्रक्चर, और देन उसके बाद बीएससी नर्सिंग वाले कॉलेजेस पे जाओगे, बीएससी नर्सिंग में जितने भी कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और प्रेफरेंस बना के उसका प्रिंट आउट निकाल लेना सारे कॉलेजेस के सामने, उसका फीस स्ट्रक्चर लिख लेना, हाँ ये फीस स्ट्रक्चर, ये फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर कहाँ से मिलेगा? फीस स्ट्रक्चर मैं बोलूंगी हर एक कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करो, किसी यूट्यूब वीडियो पे किसी पे ट्रस्ट मत करो। इवन आई ऑल्सो ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए कल तक एक वीडियो बना के लेके आऊंगी सारे बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस की, वहां पे जो फीस मेंशन होता, ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि ये चीज आप खुद से करो, ठीक है, इतना आपको करना है। अब बात आ जाती है कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा कॉलेज टॉप मोस्ट है कौन सा नहीं, उसके लिए यू आई हैव समथिंग फॉर यू। आपको क्या करना है, लेट मी गिव यू एन आइडिया भाई, एक NIRF वेबसाइट है, NIRF रैंकिंग के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, तो आपको क्या करना है, NIRF रैंकिंग 2024 पे जाना है, यहाँ से आपका ये NIRF का ऑफिशियल पेज आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ये ऑफिशियल पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे पैरामीटर्स ओपन हो गया जाएंगे, एक सेकेंड होम पे जाओ वापस, कॉलेजेस क्यों नहीं दिखा रहे हो भाई, रैंकिंग पे 2024, हाँ ये आ गया। तो आपको फार्मेसी में जाना है, मेडिकल में जाना है, डेंटल में जाना है, एग्रीकल्चर में जाना है, आप अपने अकॉर्डिंग ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी हो, हर एक कॉलेज हो, हर किसी को NIRF एक रैंकिंग देता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ कॉलेज, कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट कैसी है, फीस स्ट्रक्चर कैसे, हर तरीके से रैंकिंग मिलता है। तो हमेशा हमें NIRF की रैंकिंग को फॉलो करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो मेडिकल पे जाओगे तो आपको मेडिकल में टॉप वन रैंकिंग देखो किसकी मिलने वाली, चेक कर लेते हैं, ये देखो ऑल इंडिया रैंक वन है, कितना एम्स का, और NIRF ने दिल्ली को 94.46 स्कोर दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका आता है PGIMER चंडीगढ़, कहाँ पे सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक पे है आपका CMC, देन फोर्थ रैंक पे है आपका NHMC बैंगलोर में। अब इनकी पूरी डिटेल आपको चेक करनी है, जैसे CMC आपको चेक करना है तो CMC की यहाँ से आप PDF निकालो, साइड में ऑप्शन छोटा सा PDF वाला, आप इसमें जाके यहाँ पे इनका फीस स्ट्रक्चर भी मेंशन रहता है, लेट मी शो यू कहाँ पे है फीस स्ट्रक्चर UG का, हाँ ये देखो मीडियम सैलरी ऑफ प्लेस, अच्छा ये सैलरी वाला मेंशन है, यहीं पे इनका फीस स्ट्रक्चर भी होता था, आई थिंक इसमें नहीं दिया हुआ है,
बट आप यहाँ से अपनी प्रेफरेंस, तो आप प्रेफरेंस लिस्ट में क्या डालोगे, आप यहीं से पहला एम्स, पीजीआईएमआर, सीएमसी, आप स्टार्टिंग में ये सारे डाल दो, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपको नर्सिंग का चेक करना है, सर्च में जाओ, नर्सिंग डालो, लेट सी ये नर्सिंग का, नर्सिंग को ये नहीं दे रहे हैं रेटिंग, नर्सिंग में नहीं जा रहे हो तो डेंटल में चले जाओ, डेंटल देखो। अच्छा डेंटल में भी नहीं दे रहे हैं भाई, डेंटल में क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग। यहाँ से आप एंड में जाना और आपको आई थिंक मिल ही जाएगा, या फिर देखो सिंपल सी चीज है, आप अपना सिटी वाइज सेलेक्ट कर रहे हो ना, सर्च पे जाओ दिल्ली डालो, तो दिल्ली के सारे कॉलेजेस आ गए, LHMC, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, देखो VMMC की ऑल इंडिया रैंक 17 है, तो VMMC ऊपर रखोगे ना, उसके बाद MAMC की है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, BDS यहाँ से आप कर सकते हो, 24 रैंकिंग है। LHMC की ऑल इंडिया रैंक 29 है, तो भाई ये दीज आर द टॉप मोस्ट कॉलेजेस, UCMS 32, तो आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट बनेगा प्रेफरेंस लिस्ट दिल्ली का ये रहेगा। दिल्ली के बाद अगर आप हरियाणा वाला चेक करोगे तो आप यहीं से जाओगे, ये रहा हरियाणा में, हरियाणा में दो कॉलेजेस आपके अम्बाला में है और एक रोहतक में है। ऐसे ही आप यूपी में जाओगे, उत्तर प्रदेश में आपके ये रहे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट, बनारस हिंदू BHU, BHU बहुत ऑल इंडिया रैंक 7 है, BHU से अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो बहुत अच्छा कॉलेज है। एम्स ऋषिकेश है, 14 रैंक है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज 19, या फिर आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 27। सो दीज आर द NIRF रैंकिंग जिसके बेसिस पे आप MBBS एक्सपेक्ट कर रहे हो, BDS एक्सपेक्ट कर रहे हो, नर्सिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे जाना और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। ऑल्सो अगर आप नर्सिंग के लिए हो तो नर्सिंग के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई नर्सिंग के लिए आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है वो प्रेफरेंस लिस्ट आपको मेरी ये लिस्ट देख के बनानी है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है कौन सा नहीं मिल सकता है, ठीक है। यहाँ तक, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है हमारा, दिल्ली के अंदर कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए आई एम मेकिंग अ सेपरेट वीडियो, तो स्टे कनेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल। आई थिंक आपको प्रेफरेंस लिस्ट में समझ में आ गया है, सबसे पहले स्टेट प्रेफरेंस, उसके बाद आपको अपना फीस स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाना है। ये 3 स्टेप्स में आपका प्रेफरेंस लिस्ट बनना चाहिए। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एंड वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स एंड ऑल्सो आप अपने डाउट्स भी जरूर पोस्ट करना कमेंट सेक्शन में, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लाइव सेशन। लाइव सेशन में आप आना, लाइव सेशन वी विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, जिसमें 1-on-1 हम लोग सॉल्व करेंगे, बिकॉज आई नो 20 में आपको चॉइस पहले लॉक करनी है, तो कल हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे हमारा डाउट सॉल्विंग के ऊपर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।